बड़ी खबर एक बार फिर से इसके बगल में ब्रेकिंग दिखाएं। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी वार्निंग विद द ब्रेकिंग। चीन पर काउंटर अटैक के लिए ताइवान तैयार। पीएलए के एयरक्राफ्ट को मार गिराएगा ताइवान। 24 से 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर दिखा चीनी विमान, नहीं बचेगा। ताइवान मिलिट्री ऑपरेशन और प्लानिंग के चीफ जनरल मेजर जनरल वेन हुआंग की वार्निंग। सीधे आइए इसके बाद, जो हमारे पास गोप्रो ग्राफिक्स है सीधे प्ले ऑन करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं, क्या है ताइवान की प्लानिंग, ये जरा दिखाइए। ताइवान का काउंटर अटैक का प्लान यहां पर देखिए आप, जो इंफॉर्मेशन है। नंबर वन, ताइवान मिलिट्री ऑपरेशन और प्लानिंग के चीफ मेजर जनरल वेन हुआंग की वार्निंग। ताइवान का यह हक है कि वो चीनी घुसपैठ का करारा जवाब दे। ताइवान से 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी में दिखा चीनी विमान या युद्धपोत नहीं बचेगा। जितना ज्यादा घुसपैठ चीन करेगा उतना ही जबरदस्त ताइवान का काउंटर अटैक होगा। ताइवान स्ट्रेट का इस्तेमाल कर ताइवान चीन को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मैं जाऊंगा यहाँ पर, ये जो अभी हमने शॉर्ट्स दिखाए शॉर्ट्स को दिखाया और सीधे मैं चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। सर, ताइवान ने धमकी दी है कि अब वो ताइवान स्ट्रेट को ब्लॉक कर देंगे। ताइवान ने धमकी दी है कि अगर 12 से 24 नॉटिकल माइल्स की दूरी में एयरक्राफ्ट या वॉरशिप दिखा तो उसको खत्म कर देंगे। ये वार्निंग खाली एक वार्निंग है, खाली एक पॉस्चरिंग है, और डू दे मीन बिजनेस? देखिए ताइवान, मैं आपसे कई दफा कह चुका हूं, ये सिचुएशन दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। अब आपने एक ड्रोन्स का भी अटैक के बारे में देखा होगा कल परसों में, अभी आज आपने ये बयान सुनाया कि अगर 12-14 नॉटिकल माइल्स में कोई चाइनीज जहाज आए तो उसको एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ताइवान की उसको गिरा देंगी। आई थिंक इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स एन अननेसेसरली क्रिएटिंग अ वॉर जोन लाइक सिमिलर टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूक्रेन। देखिए यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि ताइवान इज़ ए मच स्मॉलर कंट्री देन चाइना इज़। ऑब्वियसली द पावर दैट चाइना हैज़ गॉट टुडे, ताइवान हैज़ गॉट नो कंपैरिजन। अगर जिस तरीके से चाइनीज़ की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो रखी है ताइवान के चारों तरफ, अगर उसी तरह से रहे तो ताइवान कैन नॉट स्टे देयर फॉर टू लॉन्ग। हालांकि ताइवान की जो आर्म फोर्सेज हैं दे आर फार स्ट्रॉन्गर, वेल प्लेस्ड। आपको मालूम है उनके एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं वो अच्छी जगह सेफ्टी में रहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस तरह से वार्निंग ठीक है, वार्निंग देते रहिए, लेकिन इसमें खतरा ये है कि इस वार्निंग का कहीं उल्टा ना हो जाए जी। अब जिस तरह से अमेरिका इसको बढ़ाता चला जा रहा है और रोज डेलीगेशन भेजता है, तो द फाइनल आउटकम विल बी, इट विल बी अ बैटल बिटवीन ताइवान एंड चाइना, एंड द रिजल्ट विल बी क्वाइट सिमिलर टू व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन, इन फैक्ट मच वर्स फॉर ताइवान। इसमें नुकसान चाइना का इतना ज्यादा नहीं होगा जितना यूक्रेन का होगा। सो माई सबमिशन टू एवरीबडी इंक्लूडिंग ताइवान, इंक्लूडिंग द अलाइड फोर्सेज, इंक्लूडिंग द अमेरिकन, दैट प्लीज कूल डाउन। एवरीबडी जो बता रहे हैं, मैं आपको, मैं शंकर प्रसाद सर आपको जरा ग्राउंड पर लेके चलता हूँ। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।